जो सर्च कैपेबिलिटीज हैं इसको डिस्कस करते हैं आई विल ट्राई टू दिस विद गूगल गूगल क्या है एक्चुअली अगर देखा जाए तो वॉट इज गूगल गूगल के पास अपना कॉन्टेंट नहीं है कुछ गूगल एक सर्च इंजन है जो आपको हेल्प करता है दूसरों की वेबसाइट के कॉन्टेंट में पहुंचने के लिए फेसबुक क्या है फेसबुक के पास अपना कॉन्टेंट कुछ नहीं है वो आपको हेल्प आउट करता है दूसरों के कंटेंट में पहुंचने के लिए एमेजोन में भी ऐसा ही है इवन ऊबर में क्या है ऊबर में उबर के पास कुछ नहीं है लेकिन वो गाड़ियों तक तो पहुंचने में आपकी मदद करता है बिल्कुल यानी एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज जाइंट जाइंट प्लेटफॉर्म आर नथिंग एल्स बट अ सर्च इंजन यानी उनके अंदर सर्च की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो सर्च इंजन बेसिकली सर्च की कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है मतलब ये कि एज अ यूजर मैं अगर कोई चीज सर्च करने में इंटरेस्टेड हूं तो सर्च इंजन शुड अनेबल मी मुझे हेल्प आउट करे मेरे लिए हिंड्रस ना क्रिएट करे यानी मुझे अपनी मतलब की चीज को सर्च आउट करने में आ, कोई मुश्किल ना आ, मुश्किल नहीं आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टू रीचिंग दैट प्रोडक्ट मतलब एज सिंपल रूल ऑफ थम अभी हम देखते भी हैं कि कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जो जिनका ब्रांड बहुत बड़ा है लेकिन जो नेविगेशन की ईज है वो uh, इतनी इतनी वेल well डिफाइंड नहीं है इतनी अच्छी नहीं है यानी सर्च की केपेबिलिटी जो है वो यूजर uh, को अनेबल करने के बजाय कंफ्यूज कर रही है ब्रांड्स बिसाइड अमेजोन अमेजोन को हमने बहुत डिस्कस किया तो आसान लफ्ज़ों में जो सर्च कैपेबिलिटी है इससे मुराद ही है कि जो मैं चीज़ देखना चाह रहा हूं और जो चीज ऑनलाइन स्टोर ऑफर कर रहा है वहां तक ये जो पहुंचने का रास्ता है ना जो पहुंचने का जो पाथ है वो बम भी नहीं होना चाहिए यानी आसान होना चाहिए यह ना हो कि मैं क्लिक्स में फंसा रहा हूं और uh, मैं इस चीज़ को ही सर्च करता रहा हूं कि मैंने सर्च करनी कैसे है तो जस्ट ट्राई टू जो अमूमन जो स्टार्ट होता है सर्च का वो बेसिकली सर्च बॉक्स से होता है अमूमन या ड्रॉप डाउन से होता है सो लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ जारा डॉट कॉम इट्स अ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन क्लोजिंग एंड देन वी विल सी जॉन ल्यूस डॉट कॉम ये भी एक एक ब्रांड है सो लेट सी फर्स्ट जारा जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी सर्च इस्टार्ट होती है सर्च बॉक्स से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सर्च बॉक्स को ढूंढता रहूं यानी इस शुड बी इजी। यानी सर्च सर्च को सर्च करने में आसानी होनी चाहिए मुझे सर्च को सर्च करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए सो लेट सी फर्स्ट जारा एंड देन जॉन लुइस नाउ स्टूडेंट्स लेट मी गो टू जारा डॉट कॉम फर्स्ट जस्ट लुक एट दिस वेबसाइट अब ये बहुत बड़ा ब्रांड है जारा क्लोथिंग का लेकिन अब अगर मैं यहां पॉज करूं आपको तो यू आर एक्चुअली सर्चिंग कि मैंने सर्चिंग करने की है अब ये देखें ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर रहा है हालांकि ब्रांड बहुत बड़ा है और यहां पे अगर आप टॉप राइट right पे देखें तो एक्चुअली इन्होंने सर्च की फंक्शनैलिटी दी हुई है Here. लेकिन अब ये इतना इन्होंने मैसी डिजाइन कर दी है यानी इतना क्लटड कर दिया है अब ये देखें डिजाइन पता ही नहीं लग रहा तो दिस इज बाय द वेरी वन ऑफ द टॉप ब्रांड इसकी जो मार्केट वैल्यू है बिलियंस में है इस प्रोडक्ट की लेकिन जो इसकी सर्च कैपेबिलिटी है इट इज नॉट वेरी गुड लेट मी गो टू जॉन लुइस अब ये देखें अब कंपैरेटिवली आपके पास यहाँ पे सर्च फ्रंट पे है जस्ट लाइक एमेजोन के एग्जाम्पल यहां पे जान के इसलिए दे रहा क्या वो डिस्कस कर चुके हैं आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग एल्स अब ये आपको कम अज कम इस वेबसाइट के ऊपर जाते साते ये पता लग रहा है कि मैं कहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ जो इससे पहले वाली वेबसाइट थी उसमें सर्च को ही सर्च करने में, में मेरा टाइम लग रहा था एंड एक्चुअली आई लेफ्ट इट जब हम ये कहते हैं कि सर्च कैपेबिलिटीज होनी चाहिए तो यूजर की ईज होनी चाहिए जस्ट लुक दिस वर्सेस दिस हालांकि ब्रांड बहुत बड़ा है लेकिन सर्च को स्पॉट करने बड़ा मसला हो रहा है वर्सेज दिस क्लियर कट सच क्लियर कट इसमें भी एक दो इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करते हैं लेकिन वर्सेज जारा इट इज वेरी क्लियर कट वॉट आई एम सर्चिंग फॉर और जो रिजल्ट है वो मुझे नजर आ जाएगा मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि सर्च को सर्च करने में टाइम कम लगना चाहिए यानी स्पॉट इजी हो जाए सर्च करने में पॉइंट नंबर टू जो सर्च है अमूमन ही होता है कि लेट्स सपोज मैं सर्च मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता मोबाइल के ब्रांड का नाम फॉर एग्जांपल या मुझे स्पेसिफिकली बुक का नाम नहीं पता तो आई विल राइट अ लॉन्ग स्ट्रिंग के लेट्स सपोज डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन On Oracle. मुझे नहीं पता यूजर नेम, मुझे इसका राइटर का नाम नहीं पता वॉल्यूम का नाम नहीं पता आई एम लुकिंग स्ट्रिंग अमूमन ये होता है जैसे हमने अभी हम ये करके भी देखते हैं कि आपका टेक्स्ट कट होना शुरू हो जाएगा तो सर्च बॉक्स एक्चुअली जो आपका फीचर है सर्च कैपेबिलिटी का वो सर्च बॉक्स से ड्राइव हो रहा है तो सर्च बॉक्स जो है इट शुड बी

प्रोडक्ट नंबर टू बड़ा कॉमन फीचर ऑनलाइन स्टोर्स में है ऑटो फिलिंग का ऑटो सर्च फंक्शनलिटी का इसका मतलब है कि लेट सपोज मैंने लैपटॉप लिखा तो लैपटॉप से रिलेटेड मुझे और रिकमेंडेशन आना शुरू हो गई यानी लैपटॉप से रिलेटेड ही मुझे और कीवर्ड्स नजर आना शुरू हो गए यानी कभी आप ये सोच सोचें कि लेट सपोज मैं गूगल पर लिखता हूँ कि आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू मलेशिया तो बहुत दफा ये होता है वो मुझे खुद आगे फिल इन कर देता है कि जी टिकट प्राइस या एयरलाइन या, या 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 टें विजिट वो खुद ही कंप्लीशन की तरफ लेके जाता है मेरी सर्च को तो यही चीज सर्च इंजन में या जो आपका ऑनलाइन स्टोर है उसमें भी ये फंक्शनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑल ऑफ दीज फंक्शनैलिटीज आर लीडिंग टूवर्ड यूजर ईज क्योंकि आपकी सेल अनेबल ही यूजर ईज की वजह से होनी है जितनी आसानी से यूजर सर्च कर सकेगा किसी प्रोडक्ट को उतना ही ज्यादा चांस है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आएगा आपकी वेबसाइट की रेपो तो तब ज्यादा अच्छी बनेगी मूविंग फॉरवर्ड जो सर्च है वो कैटेगराइज फॉर्म में होनी चाहिए यानी कैटेगराइज फॉर्म में भी अवेलेबल होनी चाहिए कि लेट्स सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक थिंग तो आई शुड नॉट बी लुकिंग इन टू फैशन आई शुड नॉट भी लुकिंग इन टू लेट्स अबो सम हार्डवेयर और सम बुक्स सो कैटेगराइज सर्च होनी चाहिए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वन वेरी क्रिटिकल थिंग जो हमने अभी अभी कुछ मॉड्यूल पहले देखी भी है कि हाउ एकट माई सर्च इज वॉट डज इट मीन इट मीन के मैं अगर बुक सर्च करने में इंटरेस्टेड हूँ आई विल हेट इफ़ माई सर्च शो अप टेलीविजन यानी मुझे अगर ए रेलिमेंट सर्चिज आ रही हैं तो आई मीन सर्च इंजन की जो वर्थ है या जो सर्च इंजन की आ, या ऑनलाइन स्टोर की जो आप कह लें जो उसकी रिप्यूट है यू नो इट विल बी डाउन आखिरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप नोट भी कीजिएगा खासतौर पर एफ पे पर भी हम करके देखते हैं कि कभी भी आपको ना जीरो रिजल्ट नहीं आता लेट सपोज इफ आई राइट समथिंग वेरी एबनोक्शियस ए बी सी डी ई एफ जी एच तो आपको कभी भी वो ये नहीं कहेगा यानी बहुत कम चांस है वो कहे नो रिजल्ट फाउंड अगर आपकी सर्च बहुत ही कोई इरेलीवेंट है तो फिर शायद वो बोल दें लेकिन अमूमन दे एवॉइड जीरो रिजल्ट जीरो रिजल्ट से हम राइ ऐसी चीज़ लिख दी है जो एमेजोन के डाटा बेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती यानी उससे कोई रेलिवेंट चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती अमूमन दे शो अप रेलिवेंट थिंग अगर एक्यूरेट नहीं भी हो तो सम रेलिवेंट इतनी मिलती जुलती चीज़ मुझे वो ज़रूर दिखा देगा ये हम अभी अमेजॉन पे करके भी देखते हैं तो जब हम सर्च इंजन की कैपेबिलिटी की बात करते हैं ना तो ऑटो फिलिंग सर्च इंजन की जो स्पेसिफिक कैटेगरी की सर्च है और एक्यूरेसी कितनी है ये बहुत मैटर करती है जब हम सर्च uh, इंजन की कैपेबिलिटी को डिस्कस करते हैं और अभी हम लोग अमेजोन पे करके देखते हैं सो नाउ स्टूडेंट्स हम अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं अब आप ये देखें जरा इनके ये सर्च बॉक्स का साइज देखें जरा आप एक ये सर्च बॉक्स का साइज है लुक्स जस्ट सी हाउ लार्ज इट इज जॉन लुइस दिस इज रिलेटिवली स्मॉल दिस इज रिलेटिवली लार्ज ताकि मैं अगर कोई स्ट्रिंग भी सर्च करना चाह रहा हूं ना तो स्ट्रिंग को भी मेरी वो सर्च करने दे लर्स बोल में यहां लिखता हूं द अल्टीमेट अब ये देखें मैंने अभी पूरा वर्ड नहीं लिखा लेकिन साथ ये ऑटो फिल फैनल्टी देखें जरा मैं सिर्फ ये लिखे था अल्टीमेट गाइड उसने कहा था अल्टीमेट गाइड टू गेटिंग इनटू टू फिजिशियन असिस्टेंट स्कूल ड्रिंकिंग द ड्रीम्स ड्रीम्स यो बाय योर अल्टीमेट गाइड टू फेसबुक एडवर्टाइजिंग ये मुझे अब ऑटो फिलिंग की फंक्शनैलिटी दे रहा है एंड लुक द साइज अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ अब ये देखें मैंने पूरी स्ट्रिंग छाप दी है यहाँ पे लेकिन कुछ रिकमेंडेशन नहीं आई मेरे पास कोई ऑटो फिलिंग नहीं आई और इसका साइज भी देखें लेट्स and... बोल में लिखता हूँ तो अल्टीमेट गाइड टू हेल्दी एंड जस्सी इसने सर्च मेरी काट दी है जो मैं सर्च करना चाहता इसने काट दी है शुरू के वर्ड काट दिए हैं अब लेट मी ट्राई टू पुट सेम सर्च हेयर ये देखें अभी आधी हुई है जस्ट ट्राई टू सी कि इन्होंने यूजर को कितनी ईजी है यानी आई कैन टाइप अप्रोक्सीमेटली मैं उतना ही और लिख सकता हूं जितना मैं ऑलरेडी लिख चुका हुआ हूं सो दिस थिंग मैटर अब लेट सपोज मैं इसको सर्च करता हूं लेट सी ये क्या रिजल्ट देता है अब ये देखें जरा आप उसने लिखा वी हैव जीरो रिजल्ट लेकिन साथ में रिकमेंडेशन भी आ गई हैं नो no डाउन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे जो हम कहे थे ना एवॉड जीरो रिजल्ट दिस इज आई वो टॉकिंग अबाउट मैंने जानबूझ के ऐसी स्ट्रिंग लिखी है कि जिसमें ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है कि रिजल्ट ना मिले लेकिन साथ देखिए उसने रिकमेंडेशन दे दी हैं लेस ट्राई टू डू द सेम थिंग ओवर हेयर यहाँ पे भी सॉरी कैन नॉट फाइंड चेक योर स्पेलिंग अगेन ट्राई अ सिमिलर थिंग लेकिन उसने कुछ प्रोडक्ट नहीं दिया कैटेगरी दी है यहाँ उसने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नेम दे दिया है सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो अच्छा सर्च इंजन है वो यूजर के लिए ईज दे रहा है तो ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी ऑनलाइन स्टोर की सक्सेस या फेलियर में कि हाउ गुड और बैड द सर्च इज